आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे, मॉडुलस और कंजुगेट निकालना सीख चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टी सीख चुके हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सीख चुके हैं। अभी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, तो आज इसमें सिर्फ हम लोग मॉडुलस और आर्गुमेंट पे ध्यान देंगे और आर्गुमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम निकालेंगे। लेकिन आगे फिर ज्योमेट्रिकल में और भी आगे बातें होंगी, लेकिन आज शुरुआत है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या कहते हैं, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन इसमें ये क्या है, रियल ऑफ जेड, जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, वो क्या है यहाँ पे, रियल ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, रियल पार्ट ऑफ जेड और इधर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव होगा। जैसे एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, उसी तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। लेकिन हम लोग जैसे जेड है एक्स प्लस वाई, दोनों के दोनों पॉजिटिव अगर हैं एक्स और वाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इस पर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से है। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों के दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स आई वाई, तो ये डिस्टेंस कितना होगा एक्स, और ये डिस्टेंस इधर से वाई, मतलब ये भी वाई, इसको मिला देंगे, वो ओरिजिन है, ये पी पॉइंट है, और पी क्या है, एक पॉइंट है जिसको जेड कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अब ओपी को मॉडुलस कहते हैं, पहले भी डिस्कस किए हैं, ओपी मॉडुलस है, और ये कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस से हम देख सकते हैं ओपी। लेकिन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, इसको देखना जरूरी है। अब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट तक आएंगे, यहां तक आके बनेगा पाई तक 180 डिग्री, 180 से इधर ज्यादा होगा और यहां तक 360। लेकिन हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में एंगल लेते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा वो माइनस पाई टू पाई होगा, लेस देन पाई, माइनस पाई टू पाई, और फिर पाई कब होगा, 180 डिग्री कब होगा, जब सिर्फ इमेजिनर रियल नेगेटिव नंबर होगा। तो माइनस पाई टू पाई लेंगे, अगर फर्स्ट से थर्ड, फोर्थ और थर्ड में है तो इस डायरेक्शन में लेंगे, फोर्थ और थर्ड में है तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन है, सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, एंड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इधर एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज, तो एंगल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। अब है कि किस क्वाड्रेंट के लिए क्या वैल्यू लेंगे थीटा का, और ये जो थीटा होगा उसको क्या कहेंगे, आर्गुमेंट, थीटा क्या कहेंगे, थीटा इज फॉर आर्गुमेंट, और वैल्यू लाइव होगा माइनस पाई से पाई के बीच, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो हम लोग हमेशा थीटा को प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वैल्यू इस यही लेंगे माइनस पाई से पाई। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई भी ग्रेटर देन जीरो, इस केस में थीटा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। अब देखते हैं यहां पे थीटा क्या है, इस केस में टेन थीटा, टेन थीटा वाई बाय एक्स, और दोनों के दोनों पॉजिटिव है, थीटा क्या है, और पॉजिटिव टेन थीटा होगा तो वो
जीरो से 90 के बीच होगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स होगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि रिप्रेजेंट करने के लिए एक अल्फा वैल्यू ले लेंगे, अल्फा जो होगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का मॉड। और इस अब थीटा कितना होगा, मतलब पाई से कितना शिफ्टिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा दोनों सेम ही होंगे और टेन इनवर्स मॉड लगाए या ना लगाए लेकिन क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आर्गुमेंट हो जाएगा, आर्गुमेंट। और लिखते हैं इसको आर्गुमेंट ऑफ जेड, और कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी लिखा मिलेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। यहाँ एम्पलीट्यूड से मतलब उसका हाइट का नहीं है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड से मतलब आर्गुमेंट का है। अब इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स क्या होगा, लेस देन वाई, ग्रेटर देन जीरो। इस केस में हम लोग जो थीटा निकालेंगे, अगर ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है इसमें, तो इधर से यहां तक आएंगे तो ये अल्फा जो होगा ये पाई से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो थीटा जो होगा वो पाई से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अल्फा, और अल्फा कितना होगा तो यहाँ पे एक्स वाई को पॉजिटिव लेकर निकालेंगे, ये होगा टेन इनवर्स पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का होगा। दोनों को y को x को पॉजिटिव लेके निकाले तो tan इनवर्स ये क्या आएगा, अल्फा देगा, ये अल्फा। लेकिन हम यहां से मेजर करेंगे तो आर्गुमेंट होगा पाई माइनस tan इनवर्स y बाय एक्स। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z जो है इसमें tan इनवर्स y बाय एक्स, आर्गुमेंट ऑफ z कितना पाई माइनस tan इनवर्स y by x। अब रही बात थर्ड क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर क्या होगा, x less than 0 y less than 0। इस केस में अगर यहां पे कोई z है तो अब इस पर परपेंडिकुलर देंगे तो मेजर किधर से करेंगे, इस डायरेक्शन से, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल इधर से ही मिलेगा, इधर से पाई से ज्यादा मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड में स्मॉलेस्ट जो है इस डायरेक्शन से मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से मेजर करेंगे और इस डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो एंगल क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और एंगल निगेटिव आएगा तो निगेटिव एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये इधर से यहां तक आने पर माइनस पाई, तो माइनस पाई में से मतलब पाई में से आप अल्फा को सब्ट्रैक्ट करके और माइनस साइन लगा दें तो ये वैल्यू पाई माइनस अल्फा निगेटिव में मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो माइनस पाई माइनस अल्फा मिलेगा। तो इस केस में थीटा होगा माइनस पाई माइनस अल्फा, और अल्फा तो हमेशा कितना टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का मॉड, y by x का मॉड। अब पाई माइनस ये क्या है, अल्फा, मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z इज डिफाइंड एज माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ y by x और माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स y by x। सभी प्रॉब्लम एक एक करके देखेंगे। अब बचा फोर्थ क्वाड्रेंट, अब ये सी बात है कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है इधर से ही नजदीक पड़ेगा, तो यहाँ पे अल्फा जो होगा अगर इस डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा जो होगा कितना होगा, माइनस अल्फा और माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाय एक्स। इन आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो आपको क्वाड्रेंट वाइज याद रखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में कितना होगा, हम फिगर बना के
हर क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट लिखते हैं। इसमें tan इनवर्स y बाय x, इसमें पाई माइनस अल्फा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x, यहां मॉड लगाए या ना लगाए दोनों पॉजिटिव ही होता है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाय x एंड माइनस tan इनवर्स y बाय x, तो इतने सारे वैल्यू होंगे और इसको याद रखना है। अभी प्रॉब्लम देते हैं और इसको इसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि इसका आर्गुमेंट कितना होगा। अब क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहचानेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। जैसे फर्स्ट की बात है 1 प्लस आई रूट 3, दिस इज लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। अब इसमें हम लोग अगर मॉडुलस निकालने की बात है तो मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड इज डिफाइंड 1 प्लस 3 अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। तो मॉडुलस तो आसान है, आर्गुमेंट भी आसान है, ये जेड आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सीधा tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स रूट 3 बाय 1 और tan इनवर्स रूट 3, और रूट 3 कहां पे होता है, tan थीटा, tan कौन से थीटा के लिए tan इनवर्स रूट 3 होता है, तो 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बाय 3, तो ये कितना होगा, पाई बाय 3। सेकेंड माइनस 2 प्लस 2y रूट 3, एक्स नेगेटिव y पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा कितना, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x और पाई माइनस tan इनवर्स y 2 रूट 3 माइनस 2 और मॉड है तो पॉजिटिव में ही आएगा, मीन्स पाई माइनस tan इनवर्स रूट 3। और यहाँ पे सबका जेड मॉड जेड निकालते जाएंगे, मॉड जेड आसान है 4 और इसका 12 16, ये 4 हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 पाई बाय 3, ये कितना होगा 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 कितना होता है 120 डिग्री। जब क्लास स्वरूप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ मेजरमेंट कि रेडियन सिस्टम में और फिर डिग्री सिस्टम में कैसे हम लोग मेजर करते हैं एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में माइनस रूट 3 माइनस आई, तो मॉड ऑफ जेड 3 प्लस 1 2 एंड थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाय एक्स एंड माइनस पाई प्लस tan इनवर्स वाई बाय एक्स, तो माइनस वन बाय मतलब माइनस वन बाय माइनस रूट 3 और लिमिट 1 बाय रूट 3 ही होगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 कितना 30 डिग्री, पाई बाय 6, माइनस पाई प्लस पाई बाय 6 और 6 पाई में से पाई गया 5 पाई बाय 6, कितना 150 डिग्री होता है, तो इधर से 150 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में एक्स तो पॉजिटिव है वाई निगेटिव, फोर्थ किस क्वाड्रेंट में है, 2 रूट 3
टू वाई किस क्वाड्रेंट में है ये, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। इस केस में माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाय एक्स, जेड जेड और जेड तो सब में अंडर रूट एक्स स्क्वायर ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन का फोर, थीटा टेन इनवर्स मॉड वाई मीन्स माइनस टू बाई टू रूट थ्री वन बाय रूट थ्री, टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री और वन बाय रूट थ्री पाई बाय सिक्स तो माइनस पाई बाय सिक्स। तो आप आसानी से किसी भी क्वाड्रेंट में है निकाल सकते हैं। दिक्कत कहाँ होगी कि पाई बाय पाई में कैसे लिखे, तो आप थीटा अगर 60 डिग्री जानते हैं तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई भी डिग्री में जानते हैं रेडियन में ले जाना है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दे आपको मिल जाएगा रेडियन में, तो किसी भी वैल्यू के लिए आप कर दे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई तो पाई में आप लिख सकते हैं। जैसे 150 डिग्री को लिखना है तो क्या लिखेंगे पाई बाय 180 और यहाँ 30 से कट सकता है तो 5π/6। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे।